तो लास्ट क्लास में मैंने थोड़ा वेक्टर का स्टार्ट किया था, क्रॉस और डॉट आप सबको पता ही होगा, ठीक है, आपको क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करना, डॉट प्रोडक्ट कैसे करना, है ना। और उसके ऊपर क्वेश्चन भी मैंने बहुत सारे करा रखे हैं, तो अब मैं वो क्वेश्चन आप देख लेना उसको, ठीक है। बाकी जो सैंपल सैंपल मतलब क्वेश्चन पेपर वगैरह कराते हो, जो क्वेश्चन आएंगे वो करा लेना, ठीक है। हाँ, एनसीईआरटी। अभी तो खैर मैं करने आ रहा हूँ भैया प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल मैंने बताया था हमारे पास दो टाइप के प्रोजेक्टाइल होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। प्रोजेक्टाइल में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है प्रोजेक्टाइल मोशन में, है ना। पहली बात क्या है कि ऊपर जाते वक्त आपको एक्सेलरेशन क्या लेना, माइनस जी, और नीचे भागते वक्त क्या लेना। भी प्रोजेक्टाइल का मीनिंग होता है जो भी ग्रेविटी के अंडर में वर्क करे उसी का कहते हैं ये प्रोजेक्टाइल। द पार्टिकल विच वर्क अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जो भी पार्टिकल ठीक है ग्रेविटी के अंडर में वर्क करे उसी को हम क्या कहते हैं प्रोजेक्टाइल कहते हैं। दूसरी बात है ठीक है कि एयर रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, एयर रेजिस्टेंस किसी प्रकार का एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए प्रोजेक्टाइल में, ठीक है। ना तो एयर फेवर करेगी ना, और एयर जो फोर्स लगाती है वो एक्स के लॉन्ग लगाती है, तो एयर का रोल ही नहीं है। तो इसका मतलब तीसरी बात और मेन बात है एक्स के लॉन्ग फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। और जब फोर्स जीरो होता है तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। वाई के लॉन्ग ऊपर जाता है तो एक्सेलरेशन तो आपको माइनस जी लेना है, और वाई के लॉन्ग नीचे आता है तो एक्सेलरेशन क्या लेना, प्लस जी लेना। क्योंकि यहाँ पर माइनस जी लेने का पर्पस ये है कि भैया स्पीड ऊपर जाने पर घटती है, और यहाँ पर स्पीड क्या होती है भैया, बढ़ती है नीचे आने पर, है ना। तो इसलिए एक्सेलरेशन जहां पर स्पीड बढ़ती है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होता है, जहां पर स्पीड घटती है एक्सेलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये बातें अगर आपको ध्यान है तो प्रोजेक्टाइल बहुत आसान है, ठीक है। केस पहला करने आ रहा प्रोजेक्टाइल का, इसे कहते हैं भैया हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। जब भी आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन की बात करते हो तो आप क्या करते हो भैया, किसी पर्टिकुलर हाइट से, एच से आप किसी चीज को हॉरिजॉन्टली फैक्टर, हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स के लॉन्ग फैक्टर, इसके लॉन्ग फैक्टर हो आपकी इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग है, ठीक है। तो इस वक्त आप केवल एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी दे रहे हो, और वाई के लॉन्ग वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी। क्या होगी, क्योंकि तो आप फैक्ट किसके लॉन्ग रहे हो, केवल एक्स के लॉन्ग फैक्टर हो, वाई के लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, जीरो। थोड़ी देर बाद ग्रेविटी अपना इन्फ्लुएंस दिखाएगी और इसको नीचे खींच लेगी, ठीक है। यहां से बेस से ये ए है, यहां से ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं, तो कई बार हम एक्स से भी लिखते हैं, ठीक है। तो इस तरह के प्रोजेक्शन को हम हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन कहते हैं। इसमें कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपको पता है प्रोजेक्टाइल ऊपर से नीचे आ रहा है, तो अगर मैं एक्स की बात करूं, एक्स एक्सिस की, तो आपको पता है केवल एक्स की बात कर रहा हूं, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग आपने कितनी दी है, यू। फोर्स एक्स के लॉन्ग लगी नहीं रहा, तो एक्सेलरेशन हमेशा एक्स के लॉन्ग क्या हुआ, जी। ये एक्स की बात है आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दूसरी बात है भैया वाई के लिए, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस। अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं, रिकॉर्डिंग करूंगा, आपने फेंका किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग फेंका, तो इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग क्या, वाई के लॉन्ग क्या होगी, जीरो। और आपको पता है बॉडी नीचे आ रही है, तो भैया नीचे कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटी। और ग्रेविटी, बॉडी भी नीचे आ रही है और ग्रेविटी भी नीचे लग रही है, तो इसलिए स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, वाई के लॉन्ग प्लस जी होगा, क्या होगा, प्लस जी, ऐसा। अगर ये बातें आपको ध्यान है तो भैया आप आसानी से प्रोजेक्टाइल को कर सकते, ठीक है। सबसे पहला इसमें जो ड्राइव करने के लिए आता है वो है भैया आपका इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री होता क्या है, ट्रेजेक्ट्री तो इस पाथ को ही हम क्या कहते हैं भैया, जिस पाथ को प्रोजेक्टाइल गिरने से पहले फॉलो करता है ना, उसी की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री कहते हैं, ठीक है। मैंने माना कि किसी भी टाइम पर ये पार्टिकल कहां पहुंच गया, पी पॉइंट पर। कहां पहुंच गया, पी पॉइंट पर। जब आया तो एक्स की वैल्यू क्या थी, एक्स थी, और वाई की वैल्यू क्या थी, वाई थी। इसने एक्स के लॉन्ग इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया और वाई के लॉन्ग इसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितने टाइम में किया, टी टाइम में। तो आपको बता दूं एक्स और वाई दोनों के लॉन्ग टाइम क्या है भैया, टी रहेगा, क्योंकि आपको पता है जब पार्टिकल यहां पर पहुंचा तो उसने एक्स के लॉन्ग इतना किया और वाई के लॉन्ग इतना किया, कितने टाइम पे पहुंचा,
टी टाइम में पहुंचा, तो यानी जो एक्स के लॉन्ग डिस्टेंस कवर हुआ है वो कितने टाइम में हुआ है, टी में, और जो वाई के लॉन्ग कवर हुआ है वो भी कितने टाइम में हुआ है, टी में ही हुआ है। समझ गया, तो इस चीज को ध्यान रखो। तो हम बात कर रहे हैं मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। तो आपको पता है इक्वेशन क्या होती है, एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, यही होती है ना। चलो वैल्यूज रखते हैं, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया इस टी टाइम पर, एक्स के लॉन्ग टी टाइम पर, एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, भाई एक्स ही किया ना, तो एक्स लेते। इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कितनी थी यू, टाइम कितना था थी, आपको पता है एक्सेलरेशन एक्स के लॉन्ग क्या होगा, जीरो, ये लिख रखा है ना, जीरो, और यहाँ पे क्या टी स्क्वायर, ठीक है ना। तो एक्स इक्वल्स में क्या यू टी, तो टी की वैल्यू क्या होगी एक्स अपॉन टी, ये टाइम की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस, मोशन लॉन्ग मोशन अलोंग वाई एक्सिस। जब मैं वाई एक्सिस के लॉन्ग की मोशन की बात करूंगा तो वाई कोस में क्या होता है, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ये होता है ना। तो आपको पता है वाई के कवर करने में कितना टाइम लगा, टी तो लगा था, और टी की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल दी कितनी, एक्स अपॉन में यू। तो वाई डिस्टेंस ट्रेवल किया, इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग कितनी थी, जीरो, टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन वाई के लॉन्ग का है भैया जी, और ऊपर से नहीं बॉडी नीचे आ रही है, टाइम कितना लगा वाई के लॉन्ग में, तो एक्स अपॉन में यू, जो वाई में एक्स में टाइम लगता है वही वाई में टाइम लगता है, सेम टाइम लगता है। तो वाई क्लोज में वन हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर, है ना। अब सारी कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ ले लें, तो जी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, दो एक कांस्टेंट टर्म में, और यू स्क्वायर भी क्या एक कांस्टेंट टर्म में, और यहां पर आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपकी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं भैया टाइम ऑफ फ्लाइट की, क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बॉडी को मैंने ए से ए पॉइंट से फेंका, और कहां पे आगे गिरी बॉडी, बी पर, तो ए से बी तक ये एयर में थी, तो जब तक ये एयर में रहेगी उसी टाइम को हम क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, तो जब तक एयर में रहेगी उसी टाइम को हम क्या कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, ठीक है। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट बताया मैंने आपको कि एयर में रहेगी, एयर में कब तक रहेगी, जब तक कि वो वाई के लॉन्ग मोशन उसकी खत्म नहीं हो जाती, जमीन पे गिरेगी तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा खत्म हो जाएगा, जमीन पे कब गिरेगी, जब वाई के लॉन्ग की मोशन क्या होगी कंप्लीट हो जाएगी, डन हो जाएगी, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में मैं क्या लूंगा, मोशन अलोंग क्या लूंगा वाई एक्सिस। तो भैया आपको पता है इक्वेशन वाई इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, ठीक है। तो यह वाई कलोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इस बॉडी ने, तो बिल्डिंग की हाइट के बराबर, जो कि क्या एच है ना, गिरने से पहले बॉडी को मैंने कहा छोड़ा था यहां पर, और गिरी यहां पर, तो इसने वाई कलोन कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इसके बराबर इनिशियल वेलोसिटी वाई कलोन कितनी थी, जीरो, टाइम ऑफ फ्लाइट को कैपिटल डी से हम आमतौर पर रिप्रेजेंट करते हैं हाफ, एक्सेलरेशन क्या होगा वाई कलोन, तो बेटा जी लिखना है आपको कि बॉडी नीचे आ रही है, ये टी स्क्वायर, एच इक्वल्स टू में क्या हुआ जी टी स्क्वायर अपॉन में क्या गए, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो जी टी स्क्वायर इक्वल्स टू में क्या हुआ टू एच हो जाएगा, तो टी स्क्वायर क्या हो जाएगा टू एच अपॉन में जी, तो टी की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट टू एच अपॉन में जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का फॉर्मूला है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन में। अब हम निकाल रहे हैं भैया रेंज, रेंज तो रेंज जो होता है वो किसके अलावा होता है एक्स के लॉन्ग, देखो एक्स के लॉन्ग, तो यहां से आपने फेंका और बॉडी यहां तक यहां पे आगे गिरी, तो इसने जो एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया इसी को हमने कहा भैया गिरने से पहले, आपको पता है एक्स के लॉन्ग तब तक चलती है बॉडी जब तक वो जमीन पे नहीं गिर जाती है, और जमीन पर कब गिरती है जब टाइम ऑफ फ्लाइट का होता है खत्म हो जाता है, यानी समझिए जब तक वो एयर में रहेगी तब तक वो एक्स के लॉन्ग भी चलेगी, और एयर में कब तक रहती है टाइम ऑफ फ्लाइट तक, ठीक है। डिस्टेंस अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, आपको पता है एक्स के लॉन्ग जो डिस्टेंस निकालो उसको हम रेंज कह रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कितनी थी यू थी, और कितने टाइम तक उड़ा था वो टाइम ऑफ फ्लाइट तक उड़ा था वो, एक्स के लॉन्ग चला था उड़ा चला एक ही टाइम में चल रहा है, ठीक है।
एक्सेलरेशन एक्स का क्या, जीरो टी स्क्वायर आर इक्वल्स में और यू टी, टी की वैल्यू आप सबको पता है, पीछे मैंने निकाल दी 2h अपॉन में, देन रेंज क्या देंगे यू अंडर रूट में 2h अपॉन में, ये रेंज है ठीक है। और लास्ट इसमें पूछा जाता है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट पर आपकी कितनी वेलोसिटी होगी ठीक है, तो वो पूछा जाता है, तो चलो देखते हैं भैया। मान लीजिए प्रोटॉन यहां से यहां पे आया पी पॉइंट पर, कितना टाइम पे आया था पी पॉइंट पे ठीक टाइम पर, तो एक्स के अलोंग जो वेलोसिटी होगी इसकी वो हमेशा यू ही रहेगी, क्योंकि आपको पता है एक्स के अलोंग कोई फोर्स नहीं लग रहा, फोर्स नहीं लग रहा तो एक्सेलरेशन नहीं हो रहा, एक्सेलरेशन नहीं होता तो बॉडी की वेलोसिटी हमेशा क्या होती है कॉन्स्टेंट रहती है। वाई के अलोंग आपको पता है भैया एक फोर्स लगता है जिसको हम क्या कहते हैं भैया ग्रेविटी, वाई के अलोंग फोर्स लग रहा है ठीक है, तो इसके अलोंग की वेलोसिटी को मैंने क्या लिया वी ले लिया, क्या ले लिया बाद में वी की वैल्यू निकाल लिया। अच्छा इन दोनों का जो रिजल्ट होगा वही क्या होगा वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा यही क्या है वेलोसिटी एट, दोनों को वी लिख दो इसको लिख दो वी टोटल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट की वेलोसिटी क्या होगी वी टी होगी, क्या होगी। अब वी टी कैसे निकलेगी, तो इसको निकाल लो इसको निकाल लो दोनों का रिजल्ट निकाल लो, आपको पता ही होगा। चलो हमें वी वी एक्स तो पता है क्योंकि आपको पता है ये वेलोसिटी तो हमेशा क्या रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी, क्या रहेगी और ये क्या रहेगी वेरिएबल, क्यों वेरिएबल रहेगी क्योंकि भैया ग्रेविटी खींच रही है इसको, क्या कर रही है ठीक है। चलो हम निकालते हैं वी एक्स तो हमेशा क्या रहेगा यू ही रहेगा, एंड वी वाई के लिए हम चलते हैं इस वाली इक्वेशन पे यू वाई प्लस ए वाई टी, तो आपको पता है इनिशियल वेलोसिटी वाई के लिए कितनी है जीरो, एक्सेलेरेशन वाई के लॉन्ग कितना है जी, और कितने टाइम पे आप निकाल रहे हो वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी टी टाइम पर, तो वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या होगी जी टी, क्या आ गई तो यहाँ पर आप क्या लिख दो इसके यहाँ पे जी टी, क्या लिख दो जी टी ठीक है भैया। आपको एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी पता लगी, वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी पता लगी, आप इस वाली वेलोसिटी को निकाल रहा हो टोटल वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी किसके लॉन्ग होगी वेलोसिटी लॉन्ग एक्स एक्सिस का स्क्वायर वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस का स्क्वायर ठीक है। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्ट क्या होता है इतना ही होता है, कॉस नहीं लगता उसके पीछे क्योंकि कॉस 90 होकर क्या हो जाता है जीरो, तो वी एक्स क्या रखा है आपका यू स्क्वायर और वी वाई क्या रखा है जी, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर, एंड टैन थीटा क्या होगा इसका जो एंगल होगा ये, तो टैन थीटा निकाले तो क्योंकि टू डायमेंशन वेक्टर है, कैसा है टू डायमेंशन वेक्टर का जो एंगल होता है किससे निकाला जाता है टेन थीटा से, किससे निकालते हैं और टेन क्या होता है वी वाई अपॉन में वी एक्स, वी वाई की वैल्यू कितनी बेटा जी टी और वी एक्स की वैल्यू कितना है, तो डायरेक्शन ये क्या हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट और ये क्या हुई डायरेक्शन ऑफ ठीक है। चलो अब बात करते हैं भैया ये प्रोजेक्टाइल कहता बोल, अब अपना जो सबसे मेन प्रोजेक्टाइल है और वो सबके एग्जाम में आएगा, सबके एग्जाम में जो पेपर देगा उसके पेपर में मिल जाएगा आपको एंगुलर या वर्टिकल प्रोजेक्टाइल, ये हमेशा आता है ठीक है, एंगुलर या वर्टिकल प्रोजेक्टाइल कौन है, अच्छा अच्छा एंगुलर और वर्टिकल प्रोजेक्टाइल एंगुलर या वर्टिकल प्रोजेक्टाइल ठीक है भैया। अब इसको कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हमें एक डायग्राम बनाना है इस तरीके का, ये भी 2D होता है और इस बार हम जमीन से काटेंगे ऊपर की तरफ से, ये आपका y एक्सिस और ये है आपका x एक्सिस, इसको इस तरीके से काटा आपने यू से, तो ये बॉडी पहले ऊपर गई उसके बाद फिर कहाँ गई नीचे आ गई, इसने जो x के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम रेंज कहते हैं और जो y के लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हाइट कहते हैं। पहले ये ओ से ए पे गई फिर ए से बी पे आ गई, ओ से ए को जाने को कहते हैं एसेंट, क्या कहते हैं एसेंट, और यहाँ के टाइम को हम क्या कहते हैं टाइम ऑफ एसेंट,
और ए से बी को आने को हम क्या कहते हैं, डिसेंट, डिसेंट ठीक है। और यहाँ के टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं, टाइम को टाइम ऑफ डिसेंट, वही क्या होता है टाइम ऑफ डिसेंट ठीक है भैया, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ डिसेंट ठीक है। और आपको बता दूं टाइम ओ से लेके ए और टाइम ए से लेके बी हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों टाइम बराबर है, चीज को ध्यान रखो। मैंने मान लिया कि किसी भी वक्त पर ये पी पॉइंट पर पहुंचा, टाइम कितना हो गया 30, समझ गए। और यहां पर इसने, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स कोमा वाई, एक्स कोमा, मैंने माना इस प्रोजेक्टाइल को मैंने फेंका था, प्रोजेक्टाइल ऐसा होता हुआ, ऐसा होता हुआ पी पॉइंट से निकला, मैंने माना वो कितने टाइम पर पहुंचा, टी टाइम पर। इस पॉइंट का नाम क्या था, पी, और यहाँ के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, एक्स और वाई, मतलब इस पॉइंट पर आते आते उसने एक्स कलोम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था, एक्स, और वाई कलोम कितने किया था, वाई। अब हम करने आ रहे भैया इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, क्या कहेंगे इक्वेशन ऑफ, आप पहले यहाँ पर ये ध्यान रखना, चलो बताया तो उन्होंने एक्स एक्सिस, अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स के अलोंग देखिए इस वेलोसिटी को मैं रिजोल्व करूंगा तो इधर क्या आएगा, यू कॉस थीटा, थीटा एंगल, यू कॉस थीटा, इसको रिजोल्व किया मैंने, यू इधर क्या आएगा, यू साइन थीटा। अगर मैं बात करूं ये क्या इनिशियल वेलोसिटी, ये क्या है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये भी क्या होगी इनिशियल यू होगी लेकिन किसके अलावा होगी, एक्स के अलावा, ये भी क्या होगी इनिशियल होगी लेकिन किसके अलावा होगी, वाई के अलावा, क्योंकि यू इनिशियल है, तो यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा भी क्या होगी इनिशियल वेलोसिटी होगी, लेकिन यू कॉस थीटा एक्स के अलावा होगी और यू साइन थीटा क्या होगी, तो एक्स के अलावा इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा, एक्स के अलावा फोर्स क्या होता है भैया, जीरो, सबको आपको पता है एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्स के अलावा जीरो, क्योंकि फोर्स नहीं है, तो वेलोसिटी एक्स के अलावा हमेशा क्या रहेगी, यू कॉस थीटा रहेगी, जो कि हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगी, फोर्स ही लगेगा। तो मैं बात करता हूँ वाई के अलावा, वाई एक्सिस के अलावा, देखिए वाई के अलावा इस बार इनिशियल वेलोसिटी क्या है भैया, यू साइन थीटा, बॉडी ऊपर जा रही है, तो एक्सीलरेशन वाई के अलावा क्या होगा, माइनस जी, क्योंकि स्पीड कम होगी, फोर्स लगता है ना ग्रेविटी, फोर्स वाई के अलावा क्या लगता है ग्रेविटी, इसकी डायरेक्शन क्या होती है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड, बॉडी कहाँ जा रही है अपवर्ड, तो एक्सीलरेशन क्या होगा माइनस जी ठीक है। और टॉप पॉइंट पर, इस टॉप, इसे टॉप पॉइंट कहते हैं, ये टॉप पॉइंट, स्टॉप पॉइंट पर मैक्सिमम हाइट को टॉप पॉइंट भी कहते हैं ठीक है। और स्टॉप पॉइंट पर जो वाई कलों की फाइनल वेलोसिटी होती है क्या होती है जी, इस चीज को ध्यान रखोगे तो आपका ये भी प्रोटोटाइप बड़ा आसानी से हो जाएगा। चलो बात करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की, इक्वेशन ऑफ, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, सबसे पहले एक्स के लॉन्ग फिर वाई के लॉन्ग सॉल्व करेंगे। अच्छा ये कितने टाइम पे पहुंचे यहाँ पर, टी टाइम पर, तो इसी टी टाइम में इसने एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस किया, इसी टी टाइम में इसने वाई के लॉन्ग का भी डिस्टेंस सॉल्व किया, तो एक्स इक्वल्स टू मिल गया यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, एक्स के लॉन्ग कितना डिस्टेंस सॉल्व किया, एक्स यू एक्स एक्स वाई के लॉन्ग, इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग कितनी थी, यू कॉस थीटा, क्या थी यू कॉस थीटा, और टाइम कितना है टी प्लस हाफ, एक्सीलरेशन कितना है जीरो, एक्स इक्वल्स टू यू कॉस थीटा इनटू में, तो टाइम की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, ये टाइम निकल गया एक्स से, और मुझे पता है यही सेम टाइम किसके में होगा, वाई के लॉन्ग भी, जो वाई के लॉन्ग डिस्टेंस बन गया, तो वाई का लॉन्ग क्या होगा, वाई इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर, वाई इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी वाई का लॉन्ग कितनी है यू साइन थीटा, टाइम कितना लगा था आपको पता है, ये टाइम लगा यानी एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा, बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए एक्सेलरेशन माइनस जी होगा है ना, ऊपर जा रही है ना यहाँ पे पी पॉइंट पे देखो तो बॉडी ऊपर जा रही है, तो माइनस वो माइनस यहाँ पे लगा दिए, क्योंकि ये जी क्या होने वाला था, नेगेटिव होने वाला था, एक्स की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा का माइनस, तो यू से यू क्या होगा कैंसिल होगा, वाई साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा का होता है टैन थीटा एक्स माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन में यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा ठीक है भैया, तो ये हो गया आपका, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। और ये कैसे नेचर की होती है, पैराबोलिक नेचर की, क्या होती है बोलिक नेचर, अगर आपको बता देगा पूछा जाएगा कि शो दैट द पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक इन नेचर, तो आपको यही ड्राइव करना और यही लिख देना किस नेचर की होगी, ये पैराबोलिक, क्योंकि ये इक्वेशन किसकी मैच कर रही है, पैराबोलिक, पैराबोला की इक्वेशन से मैच कर रही है,
फिर आता भी आपकी रेंज, क्या आता है, चलो निकालते हैं रेंज। रेंज किसके अलोंग है, डिस्टेंस अलोंग, चलो पहले डिस्टेंस अलोंग एक्स मत निकालो, पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं, तब ज्यादा आसान रहेगा। रेंज तो टाइम ऑफ फ्लाइट, डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स के लॉन्ग जो भी डिस्टेंस कवर करती है उसी को हम कह रहे हैं तो भैया टाइम ऑफ फ्लाइट है। चलो निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, ये यहां से लेके यहां तक के टाइम को हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, मतलब जितने टाइम तक ऑब्जेक्ट एयर में रहता है। एयर में कब तक रहता है, पहले ऊपर जाता है इसको कहते हैं टाइम एसेंट, और फिर वो नीचे आता है फिर क्या कहते हैं उसे, डिसेंट करता है। तो एक काम करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, तो हमें पता दोनों सेम ही होते हैं, तो टू टी कर देते हैं, क्या कर देते हैं, दोनों टाइम बराबर होते हैं ऊपर जाने के। तो एक काम करते हैं टाइम ऑफ एसेंट निकाल ले, वही जो होगा टाइम ऑफ डिसेंट, समझ गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, टू टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ एसेंट कर दो या टू टाइम्स ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट कर दो, दोनों सेम ही रहेंगे। तो चलो एक काम करते हैं, बॉडी ऊपर जा रही है, बॉडी एसेंट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉडी को ऊपर ले आना पड़ेगा, और ऊपर ले आने का मतलब क्या होता है, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस, क्या होगा, तो मोशन लॉन्ग टाइम ऑफ एसेंट निकाल लो, टाइम ऑफ एसेंट, तो वे क्या होगा, मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस क्या होगा, मोशन अलोंग वाई एक्सिस, तो वी वाई इक्वल टू होता है यू वाई प्लस ए वाई टी, ये इक्वेशन होती है, समझे क्यों। तो आपको पता है वाई के लॉन्ग फाइनल वेलोसिटी क्या है, जीरो, ऊपर टॉप टॉप पॉइंट पर, यहाँ पर बता ना आपको इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, यू साइन थीटा, बॉडी ऊपर जा रही थी तो माइनस जी और टी, तो टी की वैल्यू क्या आएगी, टी इक्वल्स टू यू साइन थीटा अपॉन में क्या होगा जी, ये टी की वैल्यू आ गई, क्या आ गई, देन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, देन टाइम ऑफ लाइफ फ्लाइट क्या हुआ, टू टी, टी की वैल्यू यार क्या, यू साइन थीटा अपॉन में, यू साइन थीटा अपॉन में, ये क्या होता है भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब आते हैं भैया रेंज, क्या निकाल रहे हैं, रेंज, रेंज क्या होता है, एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस, डिस्टेंस लॉन्ग अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस देखते जरा डायग्राम में, तो आपको दिखेगा कि भैया यहां से लेके यहां तक का एक्स के लॉन्ग का डिस्टेंस है, तो ये डिस्टेंस कब तक चलेगी बॉडी, जब तक वो एयर में रहेगी, यानी टाइम ऑफ फ्लाइट तक, एक्स के लॉन्ग कब तक चलेगी, टाइम ऑफ फ्लाइट तक चलेगी, कब तक चलेगी, ठीक है। तो एक्स इक्वल्स टू में आपको पता है यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, डिस्टेंस क्या ले रहे हो, रेंज ले रहे हो, तो लॉस्ट इनिशियल वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग का यू कॉस थीटा, टाइम कितना लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर लोगे प्लस हाफ एक्सीलेशन, एक्स के लोगे आता है जीरो स्क्वायर, तो रेंज क्या हुआ, यू कॉस थीटा और इनटू में टी, रेंज यू कॉस थीटा, टी की वैल्यू कितनी भैया, यू साइन थीटा टू यू साइन थीटा अपॉन में क्या हुआ जी, ठीक है। तो यू और यू की गुणा करो तो क्या हुआ, यू और यू की गुणा, अच्छा टू ऐसे लिख दीजिए पहले, आर यू और यू की गुणा करो तो यू स्क्वायर और टू साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ मिलेगा, टू साइन थीटा कॉस थीटा एक साथ मिलेगी, तो अपॉन में क्या हो रहा है, ये किसका फॉर्मूला है, साइन टू थीटा का, तो आर इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में, ये हो गया आपका रेंज का फॉर्म, क्या आ गया, ये भी पूछा था बहुत ज्यादा। फिर आप पूछे आता भैया हाइट, हाइट से ज्यादा कितने हाइट तक गया प्लेट पैन, तो मतलब एसेंट ही करना है केवल, क्या करना है, एसेंट, एसेंट में इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है यू साइन थीटा, फाइनल वेलोसिटी क्या होती है जीरो, हाइट में वाई एक्सिस की, वाई एक्सिस जीरो, तो आपको पता है वी वाई स्क्वायर माइनस यू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू टू ए वाई इनटू में वाई, वाई के लॉन्ग का डिस्टेंस है, ठीक है। अच्छा फाइनल वेलोसिटी देखो एसेंट ही कर रहे हैं, जब आपको हाइट निकालनी हो तो आप केवल ऊपर जाने को कहते हो, ए साइड
ऊपर जाना बस आपको। तो फाइनल वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर, दो। बॉडी ऊपर जा रही तो माइनस जी, और वाई की वैल्यू क्या होगी, एच होगी। ये क्या होगा, माइनस टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस टू जी एच, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल हो गया, एच की वैल्यू क्या होगी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू जी, ये हो गया हाइट अपॉन में, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट है इसमें वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। इंस्टेंट मार लूंगा अभी, छुट्टी करा दूंगा मोटे गई है। वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है भैया। तो प्रोजेक्टाइल जब आ रहा था आपका ऊपर, तो मान लीजिए वो कहां पहुंचा था, टी पॉइंट पर। उस वक्त इसकी वाई के लॉन्ग वेलोसिटी थी वी वाई, और एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी थी वी एक्स। तो इस वेलोसिटी को मैं क्या बोलूंगा, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो हमें पता है, ये तो हमेशा क्या रहेगा, यू कॉस थीटा ही रहेगा, है ना। एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी का भी चेंज, वाई के लॉन्ग वेलोसिटी निकालते तो वी वाई वेलोसिटी लॉन्ग वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस एट टी टाइम, टी टाइम पर वाई के लॉन्ग कितनी वेलोसिटी होगी। तो ये चलो देखते हैं भैया। तो आपको वी वाई इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई टी तो सबको पता होगा, है ना। तो इनिशियल वेलोसिटी वाई के लॉन्ग कितनी थी, यू साइन थीटा। बॉडी ऊपर जा रही है अभी, है ना, तो क्या होगा माइनस जी, और कितना टाइम निकाला था, यू साइन थीटा माइनस जी। ये वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी आई, कभी भी निकालिए आपको वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी यही होगी, फॉर्मूला यूज कर लीजिए। और एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी वैसे क्या रहेगी, ये रहेगी। तो वी वाई क्या होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। आगे नहीं कर लो क्योंकि भैया आपको पता दोनों वेक्टर क्या है, परपेंडिकुलर है। चलो क्या, वी एक्स की वैल्यू क्या है, यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, और वी वाई की वैल्यू क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी का, ठीक है भैया। तो वी कॉस में क्या होगा, अंडर रूट तो सब यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर खोलो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर करोगे तो जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये क्या होगा माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। अब ये कैसे आया, कहीं सोच रहे होंगे पता नहीं क्या हो गया। इसका स्क्वायर तो यही होगा, ये ए है ये बी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो अरेंज किया बस मैंने। तो ये हो जाएगा आपका वी इक्वल्स टू में अंडर रूट, देखिए इसको और इसको देखोगे तो यू स्क्वायर कॉमन आएगा, यू स्क्वायर कॉमन आकर अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो ये क्या बचेगा, यू स्क्वायर, इन दोनों को साथ में लिख करके यू स्क्वायर मिलने वाला आपको, ये जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा हो गया आपका, ये वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। अच्छा ये बताइए किस टाइप का वेक्टर है, वन डी या टू डी, जो मैंने बता रखा है प्लेन में ही ना, वी एक्स और वी वाई है इसके पास, तो कैसा वेक्टर है, टू डी है। और टू डी वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन टेन थीटा, टेन थीटा मत करो क्योंकि थीटा तो ऑलरेडी मैंने यूज करते हैं, टेन बीटा कर लीजिए, बीटा क्या होगा वी वाई अपॉन में वी एक्स, वी वाई की वैल्यू क्या, यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में यू कॉस थीटा। तो यहां से आपका वो निकल आएगा डिडक्शन, ये तो ये पूरा प्रोजेक्टाइल आपका खत्म हो गया। इसमें कई सारे स्पेशल केस भी आते हैं जो आपको ध्यान रखने, जैसे कि आपने किन एंगल्स पर फेंका जाए, देखिए किन किन एंगल्स पर फेंका जाए कि आपकी रेंज मैक्सिमम होगी, फॉर मैक्सिमम रेंज, फॉर मैक्सिमम रेंज। अगर रेंज को मैं देखूं तो मेरा फॉर्मूला था यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन जी। अगर मैक्स किसी भी चीज, देखिए साइन अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगा हुआ है साइन या कॉस, तो वो चीज मैक्सिमम जब ही होगी जब साइन या कॉस की वैल्यू क्या हो जाए, वन हो जाए। तो आर मैक्सिमम, अगर मेरा रेंज क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, तो फॉर गिवन वेलोसिटी, गिवन वेलोसिटी के लिए मैं चाहता हूं भैया मैं एक एक कोई बच्चा मैं अपनी मैक्सिमम वेलोसिटी से फेंक रहा है, उससे ज्यादा वो फेंक नहीं सकता, तो चाहता है मेरे को इसी वेलोसिटी से मेरे को मैक्सिमम रेंज मिल जाए, क्या मिल जाए। तो उसके लिए भैया ध्यान रखना यू और जी तो कॉन्स्टेंट है, क्योंकि यू उससे ज्यादा फेंक नहीं सकता, उसी वेलोसिटी से वो हर बार फेंक दे, लेकिन वो चाहता है कि उसी वेलोसिटी से उसको क्या मिल जाए, मैक्सिमम रेंज मिल जाए। उसके लिए साइन टू थीटा की वैल्यू क्या होगी, देन साइन टू थीटा क्या होगा, वन करना पड़ेगा, क्योंकि साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है और कॉस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो वन वन ही होती है। अच्छा साइन वन कब आता है, जब साइन क्या हो 90, क्या हो, तो साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, ऐसे कटता नहीं है, बाकी आपको बता रहा हूँ। टू थीटा बराबर में क्या हो गया 90 आ गया, तो थीटा बराबर में क्या हो गया
45 आ गया। यानी अगर आप किसी भी चीज को 45 डिग्री के एंगल पे फेंकोगे तो रेंज क्या मिलने वाली है? मैक्सिमम। आप कितनी भी तेज फेंक लो किसी भी एंगल पर, सबसे ज्यादा जो दूर जाएगी ना एक्सकेलम, जो डिस्टेंस कवर करेंगे वो 45 डिग्री के एंगल पर ही रहेगी। और उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम रेंज की वैल्यू क्या होगी? यू स्क्वायर साइन 245 अपॉन में क्या होगा जी, 2 × 245 क्या होगा 90, 90 क्या होगा 1, तो ये क्या होगा यू स्क्वायर अपॉन जी। मैक्सिमम रेंज क्या होती है यू स्क्वायर। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, इस पर ध्यान देंगे, कहता है किन किन एंगल्स पर रेंज सेम होती है। तो मैंने आपको याद होगा बताया था कि अगर आप दो एंगल लो थीटा वन और थीटा टू, दोनों का सम क्या हो 90 डिग्री आ जाए, तो उन दोनों एंगल पर रेंज क्या मिलेगी आपको? सेम मिलेगी। मैंने इसको प्रूफ भी कराया था, रेंज का फॉर्मूला आप इसको लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन, इसको लिख सकते हो टू थीटा, और इसको ये भी लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 180 माइनस टू थीटा, सेम ही चीज है। क्योंकि ये और ये दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं, ये दोनों चीजें क्या होती है आपस में बराबर होती है। तो यहां से देखिए यू स्क्वायर रेंज इक्वल्स टू में यू स्क्वायर साइन टू थीटा अपॉन में जी, और इसको क्या लिख दिया यू स्क्वायर साइन टू कॉमन लिख दीजिए और 90 माइनस थीटा क्या आ गया, तो ये हो जाए जी। तो हम देख रहे हैं जो थीटा है, देखिए सब कुछ सेम है ना, ये पूरे ही सेम है, लेकिन यहां पर थीटा और यहां पर ये क्या है 90 माइनस थीटा, यानी रेंज एंड थीटा बराबर में रेंज एंड 90 माइनस थीटा, समझ गया? थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज आपकी क्या आएगी सेम मिलेगी। जैसे मैं बोलूं रेंज आपकी जो 10 डिग्री पे, वही रेंज कहां पे आएगी 80 डिग्री पर, 90 माइनस थीटा। रेंज आपकी 20 डिग्री पर जो, वही रेंज कहां मिलेगी 70 डिग्री पर मिलेगी। इसका भी सम 90, इसका भी सम क्या है 90। तो अगर दो एंगल का सम 90 डिग्री, ये थीटा वन है ये थीटा टू है, थीटा वन कई बार क्वेश्चन आता है थीटा टू, दोनों से फेंका गया सेम वेलोसिटी होनी चाहिए, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, अगर थीटा वन प्लस थीटा टू क्या आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, तो रेंज एट थीटा वन बराबर में रेंज एट थीटा टू आना चाहिए। ये रेंज के ऊपर ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे आते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। अच्छा हाइट की अगर मैं बात करूं तो हाइट मैक्सिमम हाइट, हाइट का फॉर्मूला क्या यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में टू जी। मैं कह दू इफ हाइट मैक्सिमम मैं कर दू हाइट मैक्सिमम, एक ही वेलोसिटी से मैक्सिमम हाइट पे फेंकना चाहता हूँ मैं, मेरे उससे ज्यादा वेलोसिटी से नहीं फेंक सकता, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा साइन लगा ना, साइन स्क्वायर थीटा को क्या कर दो वन कर दो। इसको क्या लिखते हो, इसको भी वन लिखते हो, देखिए इसका स्क्वायर है तो इसको भी स्क्वायर कर सकते हो, क्योंकि देखिए साइन स्क्वायर थीटा वन होगा तो आप वन का स्क्वायर करो तो वन ही आएगा, तो वन को क्या लिखोगे साइन 90 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो, थीटा क्या हो गया 90 आ गया। यानी अगर आप किसी भी चीज को इतने डिग्री के एंगल पर फेंकोगे तो चीज कहाँ चली जाएगी मैक्सिमम हाइट पर चली जाएगी, ठीक है। आप चाहते हो कि ये हाइट है, आप चाहते हो कि आपके जो टाइम ऑफ फ्लाइट हो मैक्सिमम बहुत देर तक हवा में रहे, तो क्या करोगे टाइम ऑफ फ्लाइट लोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट लोगे क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन जी। आप चाहते हो मैक्सिमम हो जाए तो आपको भी पता है भैया यहाँ पर मैंने बता दिया है, क्या करना पड़ेगा इसको वन टी मैक्सिमम के लिए क्या करना पड़ेगा साइन थीटा को वन करना पड़ेगा, वन को क्या लिखो साइन 90, साइन साइन कैंसिल हो थीटा बराबर में, यानी यदि हम किसी भी चीज को 90 डिग्री के एंगल पर फेंके तो वो क्या होगी सबसे देर तक क्या रहेगी हवा में रहेगी, ठीक है भैया। तो ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, दो मिनट में खत्म हो जाएगा, पढ़ ले थोड़ा, फेल होने पर ही पक्का कच्चा। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म जब मैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात करता हूं तो ध्यान रखना स्पीड क्या रहेगी, स्पीड कांस्टेंट, स्पीड क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी, लेकिन वेलोसिटी क्या रहेगी वेरिएबल रहेगी, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन लगातार क्या होगी पार्टिकल घूमते वक्त चेंज होती रहेगी, ठीक है, वेलोसिटी लगातार बदलती रहेगी क्योंकि डायरेक्शन लगातार पार्टिकल क्या होगी, लेकिन स्पीड क्या रहेगी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा। यहां पे है तो वेलोसिटी ये रहेगी v1,
यहाँ पे होगा तो वेलोसिटी रहेगी वी टू, यहाँ पे रहेगा तो वेलोसिटी रहेगी वी थ्री, यहाँ पे आएगा तो वेलोसिटी का वी फोर। ये अगर मैं देखूंगा सब वेलोसिटी तो अनइक्वल रहेंगे, सारी वेलोसिटी अनइक्वल है क्योंकि सबके डायरेक्शन अनइक्वल है, लेकिन सबका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम रहेगा। वी वन का मैग्नीट्यूड देखोगे आप, वी टू का मैग्नीट्यूड देखोगे आप, वी थ्री का मैग्नीट्यूड देखोगे या वी फोर का मैग्नीट्यूड देखोगे, सबका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम ही आएगा, यानी वेलोसिटी क्या है? यूनिफॉर्म है। और वेलोसिटी क्या है? अनइक्वल है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। लेकिन वेलोसिटी देखोगे तो वी वन इज नॉट इक्वल्स टू वी टू इज नॉट इक्वल्स टू वी थ्री इज नॉट इक्वल्स टू वी फोर, वेलोसिटी क्या लगातार चेंज हो रही है। ये क्यों है? ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन, ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन सबकी अलग अलग है, इसलिए क्या वेलोसिटी सारी अलग अलग है, बाकी सबका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम क्या कहते हैं? स्पीड। ठीक है, अब इसमें एक डेरिवेशन है, ठीक है, वो पहले तो इसमें कुछ ध्यान रखना है, जो टर्म्स आती है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? तो वो टाइम होता है जिसमें एक साइकिल कंप्लीट हो जाए, उसे टाइम पीरियड कहते हैं। जैसे पूरा घूम गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ पार्टिकल और घूम करके यहीं पर वापसी आ गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नंबर ऑफ साइकिल इन 1 सेकेंड, बताया। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? तो एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में जो भी एंगल बनाएगा, थीटा अपॉन में टी होता है इसका फॉर्मूला, क्या होता है? या डेल्टा, थीटा अपॉन में डेल्टा टी होता है। तो अगर एक साइकिल की बात करूं तो थीटा क्या होता है? 2 पाई हो जाता है, और टाइम क्या होता है? कैपिटल टी हो जाता है। तो इसी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी हो जाएगा, इसको लिखते हो ओमेगा से। ठीक है, एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? तो वही बताया आपको, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल, या एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस वेक्टर इन 1 सेकेंड। टाइम पीरियड पहले था, टाइम पीरियड ये वो टाइम होता है जिसमें एक साइकिल कंप्लीट हो जाए। दूसरा फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में जितनी भी साइकिल होती है उसी को हम क्या कहते हैं? भैया फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या था? 1/T, है ना। फिर आया था एंगुलर फ्रीक्वेंसी, 1 सेकेंड में जो भी एंगल बनता है उसी को हम क्या कहते हैं? भैया एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी। यही एंगल एक कंप्लीट साइकिल में क्या होता है? 2 पाई अपॉन में टी के बराबर। ये एंगल एक साइकिल में 2 पाई के बराबर आता है, और टाइम क्या होता है? कैपिटल टी के बराबर आता है। 2 पाई, टी की वैल्यू क्या होती है? 1 बाय में टी की वैल्यू क्या होती है? फिर आता है चौथा एंगुलर एक्सीलरेशन, ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन 1 सेकेंड। चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन एंगुलर वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ? इतनी एंगुलर वेलोसिटी का चेंज हुआ इतने सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना होगा? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। देखो 1 सेकंड में जो भी एंगुलर वेलोसिटी के अंदर चेंज आता है उसी को मैं अल्फा लिखता हूँ, क्या लिखता हूँ? उसको एंगुलर एक्सेलरेशन लिखता हूँ। डेल्टा टी सेकंड में कितना एंगुलर वेलोसिटी चेंज हुई? डेल्टा ओमेगा, तो 1 सेकंड में कितना होगी? डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, तो ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है भैया, इसके बाद रिलेशन आपको ध्यान रखने, रिलेशन एक होता है आर इक्वल्स टू में एंगल इनटू में रेडियस, दूसरा होता है वेलोसिटी इक्वल्स टू में ओमेगा आर, वेलोसिटी इक्वल्स टू में। और आपको वैसे भी पता है उस पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होती है जिसकी रेडियस क्या होती है? ज्यादा होती है। रोटेशन मोशन बताया ना, जिसकी जो पार्टिकल सबसे दूर रहेगा उसकी सर्कल क्या होता है? सबसे बड़ा होता है। उसकी वेलोसिटी भी क्या होती है? सबसे बड़ी होती है। उसका डिस्टेंस भी सबसे, उसका एक्सेलरेशन भी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तीसरा है रिलेशन एक्सेलरेशन इक्वल्स टू में एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू में आर, तो आपको ये भी बता रखा है कि एक्सेलरेशन भी क्या होता है? रेडियस का डायरेक्टली है, याद है? तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अगली क्लास में मैं इसकी डेरिवेशन करा के इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट कर दूंगा, विद एनसीईआरटी क्वेश्चन पे टिक लगवा दूंगा। ठीक है, बाकी मेरे हिसाब से इस चैप्टर की पूरी रिवीजन हो चुकी है, डॉट क्रॉस मैंने करा ही दिया, रिजोल्यूशन भी करा दिया, ये जो सबसे मेन टॉपिक था सीबीएसई की पॉइंट ऑफ व्यू से उसको भी करा दिया, हर स्कूल में आएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम चालू करेंगे न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है भैया, अच्छा चैप्टर है, रिवीजन ज्यादा उसमें भी ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी अपने को। ठीक है, क्योंकि काफी डिटेल में पढ़ा रखा है, पूरा ही पढ़ाऊंगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, कल वही क्लास टाइमिंग भेज दूंगा।